घमासान.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। जी हां, यही नारा दिया था राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद के लिए। लालू यादव का ये कोई अकेला योगदान नहीं है बिहार या देश की राजनीति में। फिलहाल झारखंड की जेल में चारा घोटाले के विभिन्न मामले में जेल काट रहे लालू यादव कई मामलों में चर्चा में रहे हैं। कभी अपनी खास सदाओं से तो कभी गंभीर राजनीतिक तिकड़मबाजियों से राजनीति में हलचल मचाकर। आइए जानते हैं उनके बारे में और भी बातें। बहरहाल इन दिनों उनकी पत्नी राबड़ी देवी और दो बच्चे तेजस्वी और तेज प्रकाश यादव उनकी कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ये सच है कि लालू की कमी को इस तरह पूरा करना तो शायद परमात्मा के लिए भी संभव न हो। जहां तक राबड़ी देवी का सवाल है, जुलाई 1997 में जब चारा घोटाले में लालू यादव पहली बार गिरफ्तार किए गए थे, तब उन्होंने तमाम राजनीतिक साथियों को दरकिनार कर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। ये वो दौर था जब राबड़ी देवी चार शब्द ठीक से नहीं बोल पाती थी। उनके मुख्यमंत्री बनने के 3 सप्ताह के भीतर ही 15 अगस्त का दिन आ गया, तब वे राज्य की जनता को ठीक से संबोधित भी नहीं कर पाई थी। 1-2 वाक्य बमुश्किल से कह सकी थी। फिर भी लालू यादव की तिकड़मों का प्रताप था कि वे 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। समय बदला और अब लालू यादव की कोई तिकड़म काम नहीं कर रही है। केवल न्यायपालिका का कड़वा सच यानी जेल उनके सामने है। लालू जी की जुदाई और पारिवारिक बिखराव ने उन्हें भी कवि बना दिया है। हाल ही में उनकी एक कविता सुर्खियां बटोर रही है। इसमें लालू जी की याद है तो नरेंद्र मोदी के लिए श्राप भी है। कविता के बोल कुछ इस प्रकार है। नैना थोड़े नहनम, दिल में है जरा सा गम, पर हिम्मत न टूटी न हुआ है हौसला कम। बड़बोले पापी को लाएंगे जमीन पर हम, इस साजिश का बदला बदलाव से लेंगे हम। कोई कैसे करेगा जुदा, जीवन में लालू है, जन जन में लालू है, कण कण में लालू है, हर मन में लालू है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।